हेलो गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल टीगो एंड्रॉइड। सो यार फाइनली हम लोगों ने अपना पोको फोन ऑर्डर कर दिया है और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यार कि अगर नवंबर या दिसंबर में आप 2019 के खरीद रहे हैं पोको F1 जो कि 2018 का फ्लैगशिप फोन था तो क्या वो सही रहेगा या नहीं। तो आइए चलिए शुरू करता है। अगर बात करें पोको F2 की या तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पोको F2 की है तो यार वो इस टाइम पे स्किप कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ पोको F1 के बारे में। सो यार बेसिकली पोको F1 आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें बड़ी सी एक नॉच आती है ऊपर, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसकी कुछ नॉच रहती है। तो लोगों ने कहा कि इसकी काफ़ी बड़ी नॉच है ये है वो। यहाँ पर अगर आप कोई नॉर्मल यूज़र है जैसे नोट 5 प्रो आपने चलाया होगा या नोट 6 चलाया होगा, 6 में भी चलिए, हाँ 6 में भी वैसे कुछ नॉच है, पर नोट 5 प्रो अगर आप चलाते हैं इसमें पूरी बैरल साइड ऊपर भी नीचे भी कैमरे में भी और नीचे भी कुछ की जगह छूट रही तो आपको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ पर अगर आप पहले कोई ऐसा फोन जिस पर सर्विस में ड्रॉप नॉच हो जैसे कि रियलमी कोई फ़ोन हो या नोट 7 प्रो आप MI यूज़ कर चुके होंगे तो आपको थोड़ा सा फर्क पड़ चलेगा, पर ये उतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, मेरे डिफरेंस नहीं है। अगर बात करें ऐसे कैमरा सेक्शन की तो ये इस समय के फ़ोन के हिसाब से कैसा है, तो यार अगर ये आपको 1200 से 1300 के बीच में अगर आपको मिल रहा है 12.5 है इसके बेसिकली जो पीछे के सेंसर है 12 MP 5 MP के, पर यार अगर आप इसके स्कोर देखेंगे वेबसाइट के थ्रू जो कि कैमरा रेटिंग सबसे बड़ी वेबसाइट है तो इसके 97 स्कोर है जो कि गूगल पिक्सल 2 से ज़्यादा है। तो एक बार आप सोच सकते हैं गूगल पिक्सल और एक तरफ पोको F1 अपना। पोको F1 यार स्पीड के लिए माना गया था अपने, मतलब बेसिकली वो स्पीड को ही रिप्रेजेंट करता है और गूगल पिक्सल आप जानते हैं हमेशा अपने कैमरा सेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यार गूगल पिक्सल 2 किसने आराम से पेश कर दिया है तो आप सोच सकते हैं कैमरा कैसा होगा। हाँ पर अगर आपको थोड़ी क्या कहते हैं प्रीमियम लुक्स जैसे कुछ चाहिए डिवाइस तो आप नोट 8 के लिए जा सकते हैं या नोट 8 प्रो के लिए जा सकते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी करते हैं बहुत ज़्यादा ही तो यार तब आप नोट 8 के लिए जा सकते हैं नोट 8 प्रो के लिए। पर अगर आप नॉर्मल फोटो खींचेंगे या कोई पोर्ट्रेट फोटो खींचेंगे तो आपको उतना कुछ पता नहीं चलने वाला। हाँ बात करते हैं नोट 8 प्रो और पोको F1 का फ़र्क हो जाता है, तो नोट 8 प्रो में आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो कि पोको F1 में नहीं है, और दूसरा आपको एक स्मॉल सेंसर मिलता है जो कि माइक्रोशॉट लेने के लिए वो भी आपके पोको F1 में नहीं है, पर आप पोको F1 से माइक्रोशॉट ले सकते हैं कुछ हद तक। पर जहाँ तक बात करें पोको F1 के प्लस पॉइंट क्या है तो पोको F1 में आपको सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है जो कि नोट 8 प्रो में भी मिलता है पर वो इतना स्मूथ नहीं वर्क करता। मैं अभी फ़ोन आ जाने के बाद आपको वही रिव्यू भी बना दूंगा नोट 8 और पोको F1 के ऊपर। सो बस नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं आपको पोको F1 की बिल्ड क्वालिटी। तो बहुत सारे यूट्यूबर ने कहा यार पोको F1 की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, काफ़ी चीप सा है, नहीं अच्छा यूज़ करने में एंड मच मोया। तो मैंने इसे अपने दोस्त से लिया था तो मैंने उससे मांग यूज़ किया था मैंने इसे, तो यार इसमें ऐसे बिल्ड क्वालिटी कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार भाई। पीछे से आप अगर देखेंगे तो बस ये है कि वो थोड़ा कार्बन टाइप का डिज़ाइन है। इस समय जो आपके 15,000 तक के रेंज के फोन आ रहे हैं सब में पीछे ग्लास में आ रहे हैं मिरर में आ रहे हैं तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बट अगर आप उसे केस यूज़ करेंगे तो कभी पता नहीं चलने वाला है। ऐसे में मैंने उसका एक ब्राउन केस देखा पोको F1 का, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा अगर आपको बाय करना हो तो कर लेना यार। मैंने उसे ऑर्डर कर दिया फ़ोन आने से पहले जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग से कवर है, वुडन टाइप के डिज़ाइन में टेक्सचर दिया हुआ है, तो मैंने उसे अभी ऑर्डर कर दिया है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं बैटरी सेक्शन। तो बैटरी सेक्शन भी यार इसका उतना ख़राब नहीं है, पोको F1 में आपको 4000 बैटरी मिलती है और नोट 8 प्रो में आपको 4500 मिलती है और नोट 8 में आपको 4000 ही मिलती है। बाकी बात करें K20 की तो यार वो थोड़ा अलग लेवल पर चला जाता फ़ोन, बट हाँ अगर स्पीड की बात करें तो यार पोको F1 उसमें भी जीत जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसे प्रोसेसर मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 845 जो कि इस समय भाई कोई भी फ़ोन में आपको नहीं मिलने वाला है 1300 से 1500 के बीच में। मैं 1300 इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मैंने ऑर्डर जब किया भाई तो मैंने SBI से किया तो उसके थ्रू मुझे कैशबैक मिल गया, तो मुझे ये अराउंड पड़ा 13,500 कुछ का पड़ा, तो आपको भी ये 13,000 से 14,000 पड़ सकता है बेस रहती है। और नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा भाई 20 MP ऐसे दिया हुआ जैसे कि नोट 5 प्रो में था नोट 7 में था और ये पोको F1 वैसे ही है, और नोट 8 प्रो में भी होगा मैंने चेकिंग किया उसका फ्रंट कैमरा स्पेसिफिकेशन, तो यार फ्रंट कैमरे भी पोको ही जीतेगा यार जहाँ तक फोन भी। हाँ पर ये है कि नए जितने फोन आते हैं उसमें नए नए एल्गोरिदम्स आते हैं तो थोड़ा सा सिचुएशन का डिफरेंस आ जाता है, पर वो ऐसे कोई बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ बड़ी खबर आ रही है कि पोको F2 लीक हुए यार, बेसिकली एक चाइना की एक साइट है जो कि रिव्यू करती है फोन्स का और रेटिंग करती है बेसिकली आपका, जैसे जैसे कि NDTV गैजेट्स इंडिया, उससे कि चाइना की कोई साइट है जो कि उसमें पोको F2 का नाम आया है लिस्ट में जो कि तीसरे नंबर पे है चाइना में, तो यार
सकता है कि पोकर प्रो 17 दिसंबर तक आ सकता है इस साल भी, जैसे पिछले साल पोकर प्रो आया था, इस साल पोकर प्रो आके कुछ धमाल कर सकता है। और दूसरे लीड ये मिली आज एक शॉपिंग साइट है यूएस की, उसने बेसिकली यूएस में स्टैब्लिश है पर उसका जो मेन सेंटर मतलब जो जहाँ से चलती है वो चाइना की है, तो उसने भी एक कवर लॉन्च किया था पोको F2 के नाम से जो कि बिल्कुल K20 प्रो से सिमिलर था। तो ये कुछ न्यूज़ है यार पोको F2 के बारे में। सो यार पोको F1 आता है इस स्नैपड्रैगन 825 के साथ जो कि पिछले साल का फ्लैगशिप प्रोसेसर है, ऐसा तो सब यूट्यूबर ने बढ़ा दिया है यहाँ पे, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी बढ़ा दी। तो यार पोको F1 में आपको 845 प्रोसेसर मिलता है जो कि 15,000 के दाम में भाई और कोई फोन में नहीं मिल रहा है इस समय, 15 से 16 हज़ार 18 हज़ार तक के बीच में, मान लीजिए 14 से 18 हज़ार के बीच में, ऐसा कोई फोन नहीं जो कि 845 प्रोसेसर आपको दे। पर बहुत सारे यूट्यूबर ने कहा कि पिछले साल का प्रोसेसर था तो यार ये इस साल काम कर रहा है कि नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया बहुत सारी वीडियोज पे कि भाई इसके ऊपर बताइए कि पिछले साल का था तो इस समय से मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसे बाय करना इस समय सही जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बेसिकली आप जा सकते हैं बहुत आराम से, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 845 प्रोसेसर ऐसा है जो कि 15,000 रेंज किसी फोन में नहीं है। और बात करते हैं अगर इसमें है तो जैसे रियलमी X3 इसका प्रोसेसर अच्छा है, उसके बाद वो 8 प्रो में कुछ खास नहीं लगा, उसमें वीडियो लगा हुआ है मेरे साथ, मुझे नहीं पता वीडियो अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको उसका खास अच्छा नहीं लगेगा वो। और अगर सर बात करें अगर गेमिंग की तो पोको F1 में आपको पबजी फुल सेटिंग से आप खेल सकते हैं, 60 FPS मैंने इसे रिकॉर्ड किया है, 60 FPS ये काफ़ी चलता है। अगर आपको कहीं पे और ड्रॉप करते हैं तो ये कहीं कहीं घट जाता है, ये 48 से 46 से आप बहुत डाउन गया था, मैंने देखा था लेकिन मेरे में 49 गया, उससे नीचे नहीं गया। वही मैंने कि नोट 8 प्रो में खेला अपने दोस्त के, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने चेक किया कि कितना डाउन जाता है, तो बेसिकली वो काफ़ी स्ट्रगल करता है 54 से 55 जो रहता है नॉर्मल एरिया में, अगर आप और ड्रॉप करते हैं वो और घट करीब 42-43 चला जाता है। मिनिमम मैंने उसमें देखा 38 FPS तक गया था क्योंकि जब मैंने उसके जो है बुलटे चेक किया। तो हम लोगों ने मेजर चीज़ें देखी यार कि कैमरा का कंपेरिजन कैसा है, इसकी बॉडी इन बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसका नॉच का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, बैटरी सेक्शन हमने देख ली, उसका इसकी स्पीड भी देख ली है, उसका रैम और रोम भी देख ली है, स्नैपड्रैगन भी चेक कर लिया था। मैंने आपको दिखा दिए सारे पॉइंट्स जो कि यार पोको F1 ने देख लिए काफ़ी है भाई, इनफ है। पर अगर आपको अभी भी नहीं सही लग रहा है या तो थोड़ा प्रीमियम लुक के लिए जाना चाहते हैं तो आप K20 के लिए या नोट 8 के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, पर नोट 7 तो भाई बिल्कुल ही मत लेना। आप जान रहे हो जब 8 आ गया मार्केट में 7 लेने कोई मतलब नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब 8 आ जाता है तो 7 या 6 को पुराना खरीद लेते हैं जो कि अलग है भाई। अगर आपको बजट 7-8 हज़ार तक का है तो आप नोट सीरीज को छोड़ दीजिए, आप मेन सीरीज से खरीद लीजिए तो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा। जैसे मई 8 आया है 7 आया है उसमें साथ खरीद लीजिए तो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा ना कि आप पुराना खरीदिए। तो मैं फैजान विद अमन आपके लिए टिकट लेके आता रहूँगा।